इस वीडियो प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि ई कवच एप्लीकेशन की मदद से हम जोखिमी लाभार्थी की पहचान कैसे कर सकते हैं। पिछले कुछ प्रशिक्षण में हमने देखा कि हम अलग अलग प्रकार की सेवाएं का डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। ये सेवा देने के दौरान हमें कभी कभी पता चलता है कि कोई लाभार्थी जोखिमी है, तो वो फॉर्म एंट्री के वक्त उसके साथ साथ जोखिम यानी कि हाई रिस्क कंडीशन का भी डाटा एंट्री करना होगा। तो सबसे पहले जैसे हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, वैसे कार्यसूची या मेरे लाभार्थी में जाके हमें जो भी लाभार्थी की डाटा एंट्री करनी है उसका चयन करना है और एक के बाद एक जो भी प्रश्न आए उसका डाटा एंट्री करना है। उदाहरण के स्वरूप यहाँ ये लाभार्थी जो गर्भवती है उसका डाटा एंट्री किया जा रहा है, उसका हीमोग्लोबिन यानी खून की जांच में पता चला कि हीमोग्लोबिन बहुत कम था और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। तो ये हीमोग्लोबिन कम होना और बीपी ज़्यादा होना एक हाई रिस्क यानी कि जोखिम की के लक्षण है। तो ऐसी डेटा एंट्री होने के बाद ई कवच एप्लीकेशन आपको खतरे के संकेत पूछेंगे। खतरे के संकेत हमने पिछले प्रशिक्षण में देख लिए हैं। अंतिम स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा कि ये महिला का बीपी ज़्यादा है और हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो ये गर्भवती महिला को रेफ़र करने की ज़रूरत है। तो सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा कि ये हाई रिस्क महिला को आप कहाँ रेफ़र करने जा रहे हैं। ये रेफरल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला हॉस्पिटल भी हो सकता है। तो उसके चयन के बाद वो अस्पताल का नाम हमें खोज के एंटर करना है। इसमें हम नाम से भी खोज सकते हैं और पदानुक्रम द्वारा भी खोज सकते हैं, यानी कि ये अस्पताल कौन से ज़िले, कौन से तहसील, कौन से CHC के साथ जुड़ा है, वो पसंद करने के बाद वो अस्पताल का नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और उसका चयन करना है। तो इससे पता चलेगा कि जहाँ रेफ़र कर रहे हैं वहाँ ज़रूरी जानकारी हम सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं। तो हम वापस एक बार देख लेते हैं कि जोखिमी लाभार्थी की पहचान कैसे करेंगे। हम कार्यसूची या मेरे लाभार्थी में के आइकन में जाके जो भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर के जो खतरे के लक्षण हैं उसका चयन करके जोखिमी लाभार्थी की पहचान और रेफरल की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पिछले प्रशिक्षण में हमने देखा कि ई कवच एप्लीकेशन के उपयोग से आप कैसे हाई रिस्क यानी कि जोखिमी लाभार्थी की पहचान सरलता से कर सकते हैं। ANM दीदी के अलावा हाई रिस्क लाभार्थी की पहचान आशा दीदी या हेल्थ फैसिलिटी जैसे कि CHC द्वारा भी हो सकती है। तो ये सभी हाई रिस्क लाभार्थी का लिस्ट ANM दीदी को रेडीमेड सरलता से ई कवच एप्लीकेशन में प्राप्त हो सकता है। तो ये प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि ये हाई रिस्क लाभार्थी का लिस्ट हम कहाँ से देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको आपके भ्रमण के दौरान या सेवा के दौरान बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि हाई रिस्क लाभार्थी को आप ज़्यादा ध्यान से सेवा दें और उनके ट्रैकिंग में उनको रेफरल में करने के लिए ये लिस्ट आपको उपयोगी होगा। तो लॉगिन होने के बाद
हाई रिस्क महिलाएं एवं बच्चे का आइकन आप देख सकेंगे। ये हाई रिस्क महिलाएं और बच्चे के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग विकल्प आएंगे। इसमें से आप गर्भवती महिलाएं जो हाई रिस्क है उसकी लिस्ट देख सकते हैं, कम वजन वाले बच्चों का लिस्ट देख पाएंगे एवं कुछ और हाई रिस्क जोखिम वाले बच्चे का लिस्ट भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ज़रूरी विकल्प पसंद करने के बाद आपको लिस्ट मिलेगा। मानो के मुझे मेरे क्षेत्र में जोखिमी गर्भवती महिलाओं का लिस्ट देखना हो तो मैं सबसे पहला विकल्प पसंद करूंगा। तो अगले स्क्रीन पे मुझे मेरे क्षेत्र में सभी हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का लिस्ट दिखेगा। ये ऐसी महिलाएं हैं जिसको हाई रिस्क पहले मार्क किया गया है, यानी कि उनकी पहचान ई कवच एप्लीकेशन में हाई रिस्क की गई है। ये फैसिलिटी में भी पहचान हुई हो या एएनएम दीदी द्वारा पहले हुई हो या आशा द्वारा पहले हुई हो, तो ये ई कवच में पहले एंटर हुए डेटा से हाई रिस्क का लिस्ट आपको तुरंत सरलता से मोबाइल एप्लीकेशन में प्राप्त हो रहा है। और कोई भी नाम पे क्लिक करने से अगले स्क्रीन पे ये महिला को कौन सी हाई रिस्क कंडीशन है, यानी कि कौन सा जोखिम है, वो भी आपको प्राप्त होगा। ये उदाहरण में ये गर्भवती महिला को जो हाई रिस्क कंडीशन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अगला बटन क्लिक करने से ये हाई रिस्क लाभार्थी को आप जो सेवा देने जा रहे हैं उसका डेटा एंट्री आप कर सकते हैं। तो हाई रिस्क आइकन में आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी हाई रिस्क लाभार्थी की उपलब्ध हैं और आपके हाथ में सभी हाई रिस्क लाभार्थी उनकी हाई रिस्क जानकारी उपलब्ध हैं कि जिससे आप अच्छी तरीके से सेवाएं दे सकें।